बच्ची मुस्कान तरस रही है पिता का प्यार पाने के लिए। मुस्कान और इसकी माँ को मुस्कान के पिता ने घर से बेघर कर दिया है। ननी मुस्कान को ये नहीं मालूम कि लालची पिता ने दहेज की लालच में आकर मुस्कान और उसकी माँ का जीना दूभर कर दिया। अपने शौहर से तंग आकर पायधुनी पुलिस स्टेशन में मुस्कान की माँ ने शिकायत दर्ज कराई। मेरे घर में मेरा हस्बैंड, मेरे देवर शहनाज अशरफ और यूसुफ मेमन जो है ना, उन्होंने मुझे बहुत सताए, बहुत जुनूम किए, मुझे मारे, लाते मारे, फेटे मारे और मेरा दिमाग डिप्रेशन की बीमारी मुझे हो गई एकदम। और लोग को बहुत पैसा चाहता था, जब भी लोग पैसा मांगते थे मुझे, और मेरे को ना जब भी पैदा हुई ना उनको चाहता था बेटा, तो लोग बेटा पैदा नहीं होगा तो लोग ने मुझे धक्का मार के घर में से निकाल दिए। और लोग को मेरी मम्मी ने 21 तोला सोन दिए पर लोग को पूरा नहीं होता था, हर बार बोलते थे पैसा ला पैसा ला, मेरा भाई आके पैसे दे के जाता था पर लोग को पूरा नहीं होता था। पुलिस ने जब मासूम मुस्कान को देखा तो पुलिस भी भावुक हो गई और मुस्कान के वालिद समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने इन सब को न्यायिक हिरासत पर भेज दिया। महिला है उसके पति है, छोटा देवर है, उनका देवर ननंद है और ननंद का पति है, उनको मैके से पैसा लाने के लिए बोलते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करने के, घर से बाहर निकालने के। 498A 406/34 ऐसा CR दाखिल है। मुस्कान अब भी इस सोच में डूबी हुई है कि कब इसके पिता इसके पास आएंगे और इसकी नन्ही हथेली को अपने हाथों में थाम लेंगे। लेकिन क्या पता इसे कि जो दूरी अब मुस्कान के माँ बाप के बीच है उसे मिला पाना मुश्किल है। दहेज के मामले में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामलों में आए दिन इजाफा होते हुए नजर आता है। कैमरा पर्सन विपुल के साथ शाहिद अंसारी, लेमन TV, मुंबई।